हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इन टुडेज वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सैलरी ऑफ द फिजियोथेरेपिस्ट, जो कि सबसे हाईएस्ट आस्क्ड क्वेश्चन एंड मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन था मेरे चैनल पे। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद दैट। एंड जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, सो आई एम एलिना मिशेल एंड आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट। आई कंप्लीटेड माय बैचलर्स फ्रॉम कैरियर कॉलेज भोपाल। लेट्स क्विकली स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। सैलरी की मैं आप लोगों को बात कर दूं तो जब भी फिजियोथेरेपी फील्ड का नाम आता है ना, सबसे पहले आ जाती है बात सैलरी की, कि भैया पैसा कितना कमाते हो, इनकम क्या है आपकी। सो मैं आपको एक बेसिक डिटेल बता देती हूँ, बेसिक से चालू करके, और फिर आपको बताती हूँ कि कहाँ तक ये चीज वाइड स्पेक्ट्रम में फैली हुई है फिजियोथेरेपी। सो आप जैसे ही फिजियोथेरेपी में एंटर करते हैं, आप अपनी बैचलर्स कंप्लीट करते हैं। बैचलर्स कंप्लीट करने के बाद आप, सबसे पहले हम बैचलर्स की बात करते हैं। सो व्हाइल यू आर इन बैचलर्स, आप अपने क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप ऑब्जर्वेशन करके और डिफरेंट शॉर्ट टर्म कोर्सेज, वर्कशॉप, सेमिनार्स अटेंड करके, जो सर्टिफिकेट बेस्ड होते हैं, उनको आप पूरे अपने 4 साल का ड्यूरेशन जो है बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी का, उसमें करके अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। आपने स्किल्स इंप्रूव करे, आपने सर्टिफिकेट कोर्सेज कर लिए, आपने सर्टिफिकेट्स ले लिए। डिफरेंट सर्टिफिकेट कोर्सेज में आता है जैसे टेपिंग, काइनेस टू टेपिंग, या फिर कपिंग, ऐसे डिफरेंट जो रहते हैं शॉर्ट टर्म कोर्सेज रहते हैं, वो आप कर सकते हैं। ऑनलाइन भी कर सकते हैं, बट आई वुड रिकमेंड कि आप ऑफलाइन कोर्स करें, इट वुड बी बेटर, ताकि आपके स्किल्स पे भी आप काम कर सके। मैंने एक ऐसी वर्कशॉप अटेंड करी थी विच वॉज वेरी बेनिफिशियल, इट वॉज स्पाइनल मैनिपुलेशन थेरेपी, एंड उसकी वजह से मेरे स्किल्स काफी इंप्रूव हुए थे। सो एक ये तरीका है जिससे आप अपने स्किल्स को बिल्डअप कर सकते हैं, अपने सीवी को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे ही आपने फिजियोथेरेपी खत्म करी, आप लोग या तो किसी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली अप्रोचेबल चीज आती है किसी भी पेशेंट की विजिट। पेशेंट विजिट को आप अप्रोच करने के लिए अपने प्रोफेसर्स को भी बोल सकते हैं, बट ज्यादातर जो रहता है ये वर्ड ऑफ माउथ से फैलता है। जितना अगर आपके अच्छे काम है, आप अपने कॉलेज में ही जहां पे प्रैक्टिस करते हैं, अपने हॉस्पिटल में जहां पे आप प्रैक्टिस करते हैं ड्यूरिंग योर पढ़ाई बैचलर्स के दौरान, वहीं पे आप पेशेंट से जरूर कॉन्टैक्ट बनाइए। अगर आप अच्छा कॉन्टैक्ट उनसे बनाएंगे तो वो जरूर आप लोगों को अप्रोच और रेकमेंड करेंगे। जब आपको अप्रोच और रेकमेंडेशन, मेरे जो रहते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स या मैक्सिमम नंबर ऑफ कमाई जो है मेरी, वो वर्ड ऑफ माउथ की वजह से होती है। क्योंकि आप अगर अच्छा बोलचाल रखेंगे, कम्युनिकेशन अच्छा रखेंगे, अच्छा ट्रीटमेंट देंगे, तो फिर आपके पेशेंट्स डेफिनेटली आपकी जो है वर्ड ऑफ माउथ के जरिए आप लोगों का नेटवर्किंग बढ़ेगा। सो दिस इज नंबर वन। और आप उसमें कहीं से भी 300 से लेकर, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है पेशेंट का आपके घर से, या फिर सेकेंड डिपेंडिंग अपॉन उसकी कितनी क्या कंडीशन है, एक जगह की कंडीशन है, दो है, क्या क्या कंडीशन है, उन पे डिपेंड करते हुए आप पेशेंट को चार्ज कर सकते हैं। सो इट कैन गो एनी वेयर फ्रॉम 300 to 1000, और 1000 के ऊपर भी जाता है पर सेशन पर आर का चार्ज। बट इट टोटली डिपेंड्स कि आपकी कितनी ज्यादा वर्क एक्सपीरियंस, आपके स्किल्स कैसे हैं, आप कैसे पेशेंट पे वर्क करते हैं, कम्युनिकेशन कैसा है आपका, और आपके जो है, जरूरी नहीं है कि इसके लिए आपको मास्टर्स होना ही है, आप डायरेक्ट बैचलर्स के बाद भी कर सकते हैं। सेकेंड थिंग इज क्लिनिक। आप क्लिनिक का सेटअप करके, और उसमें एनी वेयर यू कैन चार्ज 200 rupees पर सेशन फॉर वन पेशेंट जो क्लिनिक में आएगा आपके लिए। सो देयर व्हाट इज द थिंग, आपका फ्यूल चार्जेस भी नहीं है और आपको इधर उधर जाना भी नहीं है, आपका क्लिनिक है, आप ही के क्लिनिक में लोग आएंगे। सो दिस अगेन डिपेंड्स कि आपके पेशेंट को कितनी मशीन्स यूज हो रही हैं और उनका ट्रीटमेंट क्या क्या कंडीशंस के ऊपर है, बैक पेन है, उसके साथ शोल्डर पेन है। सो इन सारे कंडीशंस के डिफरेंट चार्जेस होते हैं, एंड इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। सो ये होता है मिनिमम चार्ज, आप 200 rupees पर पेशेंट विदाउट मूविंग फ्रॉम योर स्पेस चार्ज कर सकते हैं। एंड दिस डिपेंड्स, आपके क्लिनिक में लगभग 17 to 20 पेशेंट्स अगर आ रहे हैं, सो आप खुद कैलकुलेट कर लो, अगर आप मिनिमम पैसे भी चार्ज करते हो तो आपकी पर डे की कमाई कितनी होगी। नेक्स्ट कम, आप अपने प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो, बट प्रोफेसर अगर आपको अप्लाई करना है तो उसके लिए ज्यादातर वर्क एक्सपीरियंस और मास्टर्स चाहिए रहता है। बट अगर आपको बैचलर्स में भी मिल गई है, सो इट कैन गो अराउंड 12 to 15k मिनिमम इन द लोएस्ट और द एवरेजेस्ट इंस्टीट्यूट्स या हॉस्पिटल्स में, बट इट कैन गो अप टू 35 अगर आप एक अच्छे हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं या फिर एक अच्छे प्रोफेसर्स, ये मैं प्रोफेसर के लिए और हॉस्पिटल, दैट इज फिजियोथेरेपिस्ट जो प्रॉपर हॉस्पिटल में अपॉइंट होते हैं, उन दोनों के लिए बात कर रही हूं। सो इट कैन गो एनी वेयर बिटवीन, इट कैन स्टार्ट फ्रॉम 12 to 15, एंड इट कैन गो अप टू 35 to 45, एनी वेयर इन बिटवीन 35 to 45। सो दिस इज द एवरेज इनकम जो कि आप बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी के बाद कमा सकते हैं। और अगर आपने मास्टर्स इसी में कर ली है, सो इट कैन इंक्रीज। जैसे कि मेरी एक मेरी एक प्रोफेसर थी, तो उनका वो शी वॉज वर्किंग इन माई इंस्टीट्यूट फॉर अराउंड 5-7 years, एंड उनने उसके बाद गवर्नमेंट के एग्जाम्स देती नहीं वो, और उनका फाइनली एक गवर्नमेंट कॉलेज में जब सिलेक्शन हुआ, सो हर स्टार्टिंग सैलरी वॉज 80,000 rupees इन हैंड, एंड दैट वॉज लाइक that's a really good amount, and yeah, you can start your salary with 80 to 90,000 अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाता है। In fact, आप अपने
डिफरेंट चीजों को भी मिक्स करके कर सकते हैं, जैसे आप सुबह चले जाएं पेशेंट विजिट पर, सेकंड सुबह सुबह का टाइम अपने पेशेंट्स को दे दें, दो तीन पेशेंट्स, चार पांच पेशेंट्स आप देख लें, दोपहर के टाइम पे आप किसी हॉस्पिटल में या फिर किसी कॉलेज में एज अ प्रोफेसर काम कर लें, शाम के टाइम पे आप हॉस्पिटल की विजिट ले लें, और जो शाम में 7 to 9 का टाइम होता है सो आप 2 घंटे अपने क्लिनिक में भी डाल सकते हैं। सो इस तरीके से भी आप मैनेज कर सकते हैं। सो योर एवरेज सैलरी कैन बी टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कितने ऑप्शंस कर सकते हैं। लाइक आई यूज टू गो फॉर अ हॉस्पिटल विजिट एंड लाइक हॉस्पिटल में काम करने का, एंड आफ्टर दैट आई यूज टू गो फॉर पेशेंट विजिट एंड दैट वॉज अ रियली गुड अमाउंट। एक मंथ में मेरा जितना एक हॉस्पिटल से कमाई होती थी उससे ज्यादा मेरी प्राइवेट पेशेंट्स 2 या 3 पेशेंट्स को देखकर मेरी पर मंथ की कमाई होती थी। सो दैट यूज टू बी मोर देन नॉर्मल। आपकी जो जॉब रहती है, जॉब से कई गुना ज्यादा आपको पेमेंट मिलती है जब आप एक प्राइवेट घर जाकर होम विजिट्स के थ्रू पेशेंट्स को देखते हैं। सो दैट इज इट। एंड इस तरीके से आप अपने सैलरी को काउंट कर सकते हैं या प्लान कर सकते हैं कि आपको कितना पैसा कमाना है। एंड नोबल तरीके से अगर आप लोगों की हेल्प करना चाहेंगे ना, सो इस प्रोफेशन या मेडिकल प्रोफेशन में अपना हार्ट सॉफ्ट रखना एंड नोबिलिटी रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप मनी माइंडेड हो जाएंगे देन मनी विल स्लिप फ्रॉम योर हैंड, दैट इज ऑफ कोर्स, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके काम में दिख जाता है कि अगर आप मनी माइंडेड हो रहे हैं। सो कीप योर सेल्फ सॉफ्ट, अपने पेशेंट्स की मदद करने के लिए कोशिश करें एंड गॉड विल ब्लेस यू विद अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ब्लेसिंग्स थ्रू मनी एंड थ्रू डिफरेंट एसेट्स। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो एंड डू सब्सक्राइब to my channel for the next video. Bye bye. I love you all so much.